आज हम देख लेते हैं टैरो कार्ड की तरफ से क्या मैसेज आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मनस्थिति, आपके रिश्तों की स्थिति, कार्ड्स क्या संदेश देना चाह रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। ओके, टैरो ने जो मैसेज दिया है अभी, बहुत ही अच्छे वैसे तो कार्ड हैं। हम एक एक कार्ड और ले लेते हैं जिसमें आर्थिक स्थिति तो आपकी सुधरती हुई, बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। टैरो यही कह रहे हैं। ओके, कि देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत जल्द सुधरने वाली है, या तो सुधार चल ही रहा है, या मतलब आपके पास काफ़ी अच्छा धन का जो आवागमन है, जो धन की स्थिति है वो बहुत बेहतर रहने वाली है, बहुत ही अच्छी है। बात करें मनस्थिति की तो मनस्थिति अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, किसी न किसी निराशा में, किसी आप मतलब बुरे, जैसे कहते ना बुरे सपने से किसी से जागे हो, या कुछ आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उस नकारात्मक स्थिति को हटाने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। आप किसी से सलाह लीजिए, आप अपने विचारों को, जो आपके अंदर बहुत विचारों के जो जाल बुने हुए हैं उनको या तो किसी से बताइए ताकि वो बाहर निकल सकें। अगर विचार बाहर निकलेंगे तो समय का पहिया फिर से घूमेगा और एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को खाली नहीं करते हैं वो दोबारा भरा कैसे जाएगा। तो ये जो साइकिल चलना होता है, खाली होना वापस भरना, खाली होना वापस भरना, तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम किसी चीज़ को बाहर निकालेंगे। तो अपने अंदर की निराशा को, अपने अंदर की जो विचार हैं उनको आप बाहर निकालिए ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बाकी पैसों के लिए कार्ड्स ने अच्छी एनर्जी दिखाई है, बढ़िया है, धन अच्छा रहेगा। गॉड गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं कार्ड्स क्या आपको कहना चाह रहे हैं, भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संकेत देते हैं, क्या निर्देश हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं। ओके, दो कार्ड्स हैं, चलिए देख लेते हैं। दो कार्ड्स में एक माँ भद्रकाली का है और एक बलराम जी का है। ये दोनों ही कार्ड्स देखिए, भगवान बलराम ये कहते हैं कि अपना हल उठा के चल दीजिए। बलराम जी का तो हथियार हल ही था, चलिए हल उठाइए और चलिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म की तरफ अग्रसर होइए। आज जैसे अभी समझिए बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है, तो बारिशें आएगी तो एक किसान अपना हल लेके खेतों की तरफ चल देता है, उसी प्रकार से आप भी अपने अपने कार्य की तरफ चलिए ताकि पैसों की व्यवस्था बहुत अच्छे से हो सके। दूसरा माँ भद्रकाली हैं जो नकारात्मकता का दूर करती हैं। काली को जपिए, काली को याद कीजिए, माँ काली के मंदिर जाइए और अपनी जितनी संपूर्ण नकारात्मकताएं हैं, काली माँ सारी नकारात्मकता सोख लेती हैं, वो सब कुछ अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वो अपनी नकारात्मकता सारी मंदिर जाके आप वहाँ छोड़ के आ जाइए और एक सकारात्मक विचारों के साथ बाहर आइए। समय का पहिया फिर से घूमेगा, नई शुरुआत होगी, माँ के मंदिर जाइए और आपकी इच्छाएँ पूरी होगी।